कश्मीर बॉयज गेट हेरा बॉयज गेरा हेड से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं। हम पिछले 6 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं, हमारे बच्चे स्कूल से निकाले गए हैं, हमारे लोन्स निकाले हैं, उसको कितना इंटरेस्ट बढ़ा है वो कौन देगा? अब हमें क्यों उस रास्ते पे आना पड़ता है? हमारे आला हुकाम क्यों नहीं सुनते हैं कि ये फीमेल्स अपने घरों की जीनत है, अपनी डिपार्टमेंट की जीनत है? ये क्यों नहीं आ, ये क्यों सड़क पे आ रहे हैं? इनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? ना कुछ हम इराक मुलाजिम है, ना कुछ हम NHM मुलाजिम है, ना कुछ हम डेलेज मुलाजिम है, हम परमानेंट मुलाजिम 25 years, 30 years ओल्ड मुलाजिम है। मगर बदकिस्मती की वजह से हमें एक फीमेल इस कश्मीर की जीनत हमें सड़कों पे आना पड़ता है। बस मसला यही है क्योंकि हमें तनख्वाह नहीं है, पिछले 6 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। हम महरमजान में भूखे इस सड़क पर मर रही है लड़कियाँ, मगर तब भी हमें पे नहीं निकाला। मगर गवर्नमेंट ने इतनी चाल की है क्योंकि हमें ईद पे निकलना था, हमने बाइट पे दिया है कि ईद पे हम इस सड़क पे आएंगे, मगर 1 महीना निकाला हमारा मुंह बंद करने के लिए। हमें मुंह बंद करने के लिए इन्होंने अरफा से पहले 3 दिन 1 महीना छोड़ा है, फिर वैसे जैसा कि वैसे ही रह गया, जैसे हम गद्दे काम कर रहे हैं अपने, हम रात दिन काम कर रहे हैं, हमारी नाइट्स भी लग रही है, हमारा गेस्ट भी हो रहा है, हमारी संडेज भी लग रही है, हम 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं, मगर गवर्नमेंट हमारी काम से टच से मस्त नहीं हो रहा है। हमारे कश्मीरों की जीनत हमारी लड़कियाँ हैं। मैम आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है बस हमारी तनख्वाहें छोड़िए, बस हमारी और कुछ नहीं डिमांड है, हमारी डिमांड है बस रिश्ते। अब हमारे मतलब प्रेसिडेंट ने ये मशवरा किया है पूरे कश्मीर डिवीजन में, इवन की जम्मू डिवीजन में भी यही बात हो रही है। अगर 10 तारीख तक हमें तनख्वाह निकला है वेल एंड गुड, अगर नहीं 10 तारीख को हम डे नाइट इधर ही बैठेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए।